हेलो, सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैंगलोर जायफा। आज मैं काले मिर्ची का अचार बना रही हूँ। वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है देख लियो। और इंग्रेडिएंट्स दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट है क्या कहतो, लाइक सब्सक्राइब करना और बाजू जो बेल बटन आता ना उसे क्लिक करे तो ऑल कर को आता, उसे ऑल को प्रेस करे तो पूरे मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते। अच्छा, शुरू करेंगे। कैसा को तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं देखो। काले मिर्ची के चार को एक 5 टमाटो से, यानी 5 टमाटो कट कर कर लियो। एक 2 प्याज इसे भी कट कर लियो। इसमें अमली, एक नींबू होता साइज, और 2 काली मिर्ची, 2 टीस्पून काली मिर्ची, 2 टीस्पून जीरा मेथी का मसाला जो मैं ऊपर लिंक में देती हूँ, कैसा बनाए दिखा को हूँ मैं। नमक टेस्ट के हिसाब से, ये बघार के वास्ते एक छोटी प्याज, और बघार में डालने एक टमाटर कट करियो, और एक करिया पाक और 6 लाल मिर्चा सूखे, और राया 1 टीस्पून बघार के वास्ते। कैसा बनाना देख लेंगे। एक पैन ले लेंगे, जरा चीज हमें भून लेंगे है। जरा 1 टीस्पून ऑयल डाल को, इसमें हमें पहले जीरा मेथी ये जरा टॉस कर लेंगे, काली मिर्ची और लाल मिर्ची, एक चंद पत्ते इसके करिया पाक के। इसे हमें क्या करेंगे, जरा भून लेंगे इसे, इसके बाद हमें पीस लेंगे। प्याज भी डालेंगे इसमें, जरा भुनेगी तो बनती है, उसका टेस्ट ही चला जाता है। मेहनत को डाले तो मसाले इतना भुनेगा तो बस, फिर ऑफ कर डालेंगे, ठंडी होने के बाद पीस लेंगे। मिक्सर जार लिया, उसमें क्या करेंगे, मिक्सर में ये मसाले पूरे डाल लेंगे भुने हुए। एक 12 लहसुन के कलियां इसे एक बार पीस ले को, उसमें टमाटर ऐड कर लेंगे बाद। इसमें अब अमली डालेंगे और टमाटो, दाल को पीस लेंगे। देख सकते हैं मसाला पीसेगा, हमें बघार लेंगे। इसमें एक बर्तन ले लिया, उसमें हमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। 3 या 3 टू टेबल स्पून ऑयल, ऑयल गर्म हो जाता है, इसमें हमें मसाले डालेंगे। इसमें हमें रायन डालेंगे पहले, इसमें प्याज डालेंगे, प्याज जरूरी कलर आ जाए प्याज को, देख सकते हैं ये फ्राई हो गया प्याज, और इसमें करिया पाक डालेंगे। मैं एक टमाटो है ना वो भी डालेंगे, जरा फ्राई हुआ तो बस टमाटो, अब इसमें हमारा मसाला डालेंगे। अच्छा तल लिया मसाले को, देख सकते हैं मसाला अच्छा फ्राई हो रहा है। इसमें हमें क्या करेंगे, मिक्सर में जो बचा पानी है उसे डाला लेंगे। इसमें अब 1 कप पानी डाल रही हूँ, और इसमें नमक से अच्छा मिक्स कर लिया। इतना ठीक है तो बस इसे अच्छा बॉईल आना, उसके बाद इसे 10 मिनट दम पर छोड़ेंगे, उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छा बॉईल आ गया, इसे 10 मिनट हमें दम पर रखेंगे तो होगा ये सालना बन गए। से प्लेट कर लियो काले मिर्ची के चार को, आप लोग हमें ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग बैंगलोर जायका। थैंक्स फ्रेंड, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।